घटाओ में रहे के तू बरखा मेरी मैं तेरा बादल पिया फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? पायो आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के सामने रूटीन शेयर कर रही हूँ। इस रूटीन को क्या नाम दो को समझ में नहीं आ रहा है मुझे, आप लोग ही बता दीजिएगा। परेशान हो गई हूँ, क्या लिखे कमेंट में, क्या टाइटल डाले, क्या करे समझ में नहीं आता है। तो मेरे थर्सडे का दिन है तो मैं आप लोगों के साथ सब शेयर कर रही हूँ। अब तो रूटीन पहले से बहुत ज़्यादा ही चेंज हो गया है। सुबह सुबह मुझे सब पहले हस्बैंड के लिए सब गर्म पानी, दो लहसुन की कलियाँ देती हूँ, फिर उसके बाद उनको जो चूरन बनाया वो देती हूँ, फिर उसके बाद ये गाजर और बीट, खीरा वगैरह ये सब पहले ये आप 1.5 किलो के लगभग ये देती हूँ, वो खाते हैं। फिर 10 बजे उनको दवाई खानी है तो सब थोड़ा खाना देती हूँ। तो इसी में मेरा सब बिजी चल रहा है फ्रेंड्स, किसी के कमेंट का रिप्लाई भी नहीं दे पा रहे हैं, उसके लिए सॉरी। और जो आपने इसके पहले देखा है वो डांस वाला, तो हम उनको खुश करने के लिए भाई करते हैं कि आप टेंशन फ्री रहो, टेंशन ना लो, बस इसीलिए। और वो वैसे भी जब थोड़ा सा मूड ऑफ होता है ना तो हम गाना अपना सॉन्ग लगा लेते हैं, सुनते हैं, और उसी बीच वो कभी कभी डांस भी करते हैं। तो मैंने उसे कैप्चर कर लिया, बोले थे नहीं मत करो, फिर बोले कर लो कोई बात नहीं, तो मैंने कर लिया थोड़ा सा। और ये फर्स्ट टाइम नहीं है, ये बहुत टाइम का है, हमेशा ही वैसा कुछ अगर मूड ऑफ कुछ है तो सॉन्ग सुनते हैं और अच्छा लगता है। सॉन्ग सुनने से, म्यूजिक से मूड भी फ्रेश हो जाता है, और उसी बीच वो नाचने का भी हो जाता है हमारा, थोड़ा डांस भी हो जाता है। और वो बता रहे थे कि गांव में बहुत लोग ऐसे नाचते हैं वैसे नाचते हैं, ये सब वो बता रहे थे, और हम खूब हंस भी रहे थे। बच्चे तो नहीं थे, ट्यूशन चले गए, तो एक बार तो इतना हम लोगों से इतना पेट दर्द होने लगा, क्योंकि वो और भी अच्छे से सब बता रहे थे। कल तो ज़्यादा मैंने नहीं शूट किया, बस मैंने थोड़ा सा किया, वो बस हैप्पी रहे और कुछ नहीं चाहिए, तो अच्छे से रहते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है, नहीं तो फिर ना कैसे ही बहुत टेंशन में रहता है फ्रेंड्स। और आप लोग बताइए कैसा चल रहा है आप लोगों का। अभी मैं आपके बना रही हूँ जी, रोटी दाल चावल हो गई है और ये सब मेरा काम है जो मॉर्निंग का आप लोगों के साथ में शेयर किया। बीट भी काट दूँ साथ में? हाँ, देखिए मैं गाजर है, बीट भी काटूँ? बीट गाजर है 2-3-4 और बीट एक छील कर उनको दे देती हूँ, खा लेंगे, क्योंकि पहले मैंने गर्म पानी वगैरह सब दे दिया था, ये खाएंगे, उसके बाद फिर खाना देते हैं, उस उनको देना है दवाई, तो ये खाना खा के दवाई खाएंगे। तो ऐसे ही चल रहा है फ्रेंड्स, बस सब अच्छे से रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और क्या चाहिए जिंदगी। इतनी ज़्यादा परेशान हो गई, आप लोगों का सपोर्ट साथ इतना मिल रहा है, इतना मिला मुझे बहुत अच्छा लगा, कि चलो कोई तो है मुझे इतना समझने वाला, जितना आप लोगों ने समझा उतना तो मेरी फैमिली ने भी नहीं समझा मुझे इस वक्त मेरे ऊपर क्या बीत रही है। बस आप लोग और मेरे मम्मी पापा, मेरे भाभी लोग ने ही समझा था मुझे, और तो बहुत लोगों ने कुछ समझा ही नहीं, सोचा ही नहीं कि मेरे ऊपर क्या बीत रही है उस समय। बट आप लोगों का सहारा मुझे बहुत मिला, थैंक यू सो मच फ्रेंड, इसे प्यार ना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। चलिए मैं आगे म्यूजिक लगा देती हूँ, क्या बकबक करूँ आप लोग के साथ, ज़्यादा बकबक हो गई है, म्यूजिक लगा देती हूँ आप लोग भी।
तो म्यूजिक अभी थोड़ा टाइम में लगाऊंगी फ्रेंड्स, मैं सोची इसमें लगाऊंगी तो सब वो हो जाएगा, लोगों से बातें ही कर लूँ मैं थोड़ा। ए बच्ची इधर आ, ज़्यादा बातें नहीं कर पाती हूँ बस चक्कर में, डेली वीडियो डालने का भी सोच रही हूँ, जा ही रहा है डेली हो जाएगा अभी कंटिन्यू। और चलिए आगे बने रहिएगा। हवाओं में बहेंगे, घटाओं में रहेंगे, तू बरखा मेरी मैं तेरा बादल दिया। मेडिक्लेम का जो है ना वो फॉर्म भर रहे हैं अभी, तो शाम को देखो अब भी तैयार हो रहा है, अभी बज रहे हैं 12:15, स्कूल है 12:30, पौना घंटा टाइम, तो 12 बजे वो तैयार हो गया है। लेकिन मैं मानता ही नहीं हूँ, बहुत जल्दी रहती है जाने की, अगर अभी सब काम हो चुका है इसको नहीं कही रहती तो नहीं जाने के लिए तैयार है ना। भर रहे हैं जो मेडिक्लेम में, तो उसमें भर देंगे फॉर्म आया भरने के लिए। टिफिन रेडी है उसका, वहाँ पे रखा है टेबल पे, और वो खाना खा रहा है अभी, शाम खा लिया है अपना, रख रहा है, रखो हाँ अभी तैयार हो जा पापा, ये तो एकदम परेशान हो गया खाने के लिए, और यहाँ पे सब हो गया है लोग खा लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ सब रेडी है, देख सकते हैं आप सब जाने के लिए, और मैं वीडियो यहीं पे एंड करूंगी, आपसे मिलूंगी नेक्स्ट अच्छे से यहाँ पे, प्लीज आप रखिएगा जो भी आते हैं चैनल को, अरे देखिए मैंने ये बहुत पहले से लेके रखा है, ये मार्केट से लिया था 40 रुपये में से, आज मैं कपाट में इनका पेन कार्ड ढूंढ रही थी।